हेलो एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात कर रखा था कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, चाहे वो एयर में प्लेस्ड हो, वैक्यूम में हो, या उन दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो, तो उनके बीच में जो फोर्स कैलकुलेटेड होता था हमारा, जो फोर्स कैलकुलेट होता है वो बाई कूलम्स लॉ होता है। एंड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। बेटा मैंने आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जो दो चार्जेस होते हैं हमारे, मान लिया कि दो चार्ज हैं इस तरीके से, वन दिस चार्ज, एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों क्या हो कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, सॉरी रिपेल कर रहे हैं। दिस चार्ज इज ए एंड दिस चार्ज इज बी, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में। सपोज एक यहाँ पे चार्ज और लेकर आते हैं जिसका नेचर नेगेटिव है, मतलब ए और सी के बीच में अब अट्रैक्शन का फोर्स है जो कि हमारा 50 न्यूटन का है। तो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है हमारा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, देखिए यहां पे बेटा जो ए और सी के बीच में फोर्स है वो 50 न्यूटन का है, और जो ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो हमारा 100 न्यूटन का है। हम किसी इंडिविजुअल चार्ज की बात अभी तक नहीं किए हैं, जब भी बात किए हैं तो फोर्स ऑन दिस चार्ज, मतलब सॉरी बिटवीन की दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमारा कितना आता है। अब बात करना चाहते हैं, देखिए यहां पे एक चीज देखने को क्या मिल रही कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है हमारा बिटवीन टू चार्जेस वो अनअफेक्टेड है। अगर ए और बी के बीच में 100 न्यूटन है तो ये 100 ही रहेगा, ये अफेक्ट नहीं हो रहा, दिस कंप्लीटली अनअफेक्टेड, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। Unaffected by the presence of other charges in its neighborhood. अगर इसके पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा तो भी ये क्या होगा, दिस फोर्स इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। लेकिन बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज, ये सारे चार्जेस, सी कितना ए पे फोर्स लगा रहा और बी कितना ए पे फोर्स लगा रहा, मैं यहां पे अगर कोई और चार्ज ले ले तो वो कितना फोर्स लगा रहा, ये एक इंडिविजुअल चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा, एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, हम बात कर रहे थे कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो अनअफेक्टेड है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, बट एक इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हम निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। किससे निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ये होता क्या है, तो हम इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेते हैं, क्या करते हैं इंडिविजुअल के लिए किसी एक पे जो फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम सबका क्या करते हैं, वेक्टर सम ले लेते हैं। इज दैट क्लियर, हम क्या करेंगे इंडिविजुअल के लिए वेक्टर सम ले लेंगे। ओके तो यहां पे बात हुई कि ये लागू क्यों हो रहा, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्यों आ रहा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमें पता है
ठीक है, वो कूलम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाता है, बट फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू चार्जेस, ठीक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की, फोर्स जो होगा हमारा मल्टीपल चार्जेस के बीच में, एक पे कितना लग रहा, उस इंडिविजुअल चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा, ये कैलकुलेट होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। सो सबसे पहले लिखते हैं क्या स्टेटमेंट ऑफ दिस, ओके, कि स्टेटमेंट क्या कहती है। इज दैट क्लियर बेटा? हम बात कर रहे थे क्या कि we know that, हम जानते हैं क्या कि the force between two point charges can be calculated by Coulomb's law, ठीक, while in a system of multiple charge, मतलब क्या more than two charges, force on any charge, एक individual charge पे due to other charges calculated by using principle of superposition। तो क्या होती है statement, when a number of charges are interacting, जब number of charges interacting, then the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of the forces। Suppose यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास Q1, ये चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे एक चार्ज है हमारा कौन सा Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है हमारा Q5। तो ये एक चार्ज है जो किसी लोकेशन पे है, और ये Q2, Q3 एंड Q4 और Q5 चार्जेस हैं। तो ये चार्जेस इस वन पे फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्जेस जो हैं इस वन पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं रिपल्शन का। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये वाला जो चार्ज है इन दोनों के बीच में, ये जो हमारा चार्ज है इस पे फोर्स ये लग रहा होगा, वन पे फोर्स लग रहा, इस वन चार्ज पे लग रहा फोर्स टू की वजह से, इस वन चार्ज पे जो फोर्स लग रहा वो क्या लग रहा, टू की वजह से। तो अपन इसको F12 को क्या बोलेंगे बेटा, कि फोर्स ऑन चार्ज वन, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू दूसरी चार्ज यानी Q2 के वजह से इस पे Q1 पे रिपल्शन लग रहा। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके गाइस, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21, क्या होगा बेटा, R21 डायरेक्टेड कहां से, यहां से यहां तक। अब इस चार्ज Q1 पे Q3 फोर्स लगा रहा किधर, इधर, तो इस पे वेक्टर F1 पे कौन लगा रहा फोर्स, 3, 1 पे कौन फोर्स लगा रहा, 3, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R31, इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R31, 3 से कहां, 1 पे। यहां से देखिए इस वन पे ये Q4 यानी Q1 पे Q4 फोर्स लगा रहा, तो फोर्स का नाम आएगा F14, वन पे फोर लगा रहा। अब इसकी बात करते हैं दिस, तो इस Q1 पे, अब इसको सही से लिख दीजिए बेटा, ये हो गया हमारा Q1 चार्ज है ये, तो इस Q1 पे ये Q5 फोर्स लगा रहा इस डायरेक्शन में ऑन दिस, तो ये क्या आ गया वेक्टर 15। तो ये जो इसमें हमारा 1 आ रहा, ये P पॉइंट पे, P1, P2, P3, P4 या इन पॉइंट्स पे जो फोर्स हमारा लग रहा है इस इंडिविजुअल चार्ज Q1 पे, किसकी वजह से, Q2, Q3, Q4, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या होगा, इन सबका वेक्टर सम होगा, क्या होगा, इन सबका वेक्टर सम होगा। तो फोर्स F1, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा F1 वेक्टर का, ये क्या हो जाएगा वेक्टर का F12 प्लस वेक्टर का F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर 15 प्लस n तक FN,
तो ये n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कंसीडर है। तो यहाँ पे f12 की वैल्यू बोलिए, वेक्टर f12 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखिए कोई भी फोर्स होगा यहाँ पे उसके लिए, जैसे f12 है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो नोट होगा वो f इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन का r स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो लग रहा, यहाँ वन और टू के बीच में लग रहा, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, आर टू वन, और ये क्या हो गया आर टू वन का स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर टू वन का कैप और ये आर टू वन का स्क्वायर, तो यही चीज हम सब में करेंगे और 1 upon 4 pi epsilon naught को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन हो गया सब में से, तो यहां पे क्या आया हमारा, देखिए ये 1 2 है तो q1 q2 upon का r21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर r21 प्लस यहां पे क्या आ रहा बेटा 1 3, तो ये क्या हो गया हमारा q1 q3, Q1 Q3 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा R31, तो ये क्या हो गया R31 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 31 मल्टीप्लाइड बाय R कैप 31 प्लस F14, तो Q1 Q4 अपॉन का R क्या होगा यहाँ पे 421, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 41, तो ये हो गया R41 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 41 प्लस डैश 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 सो ऑन इस तरीके से। तो यहां से हम फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज कैलकुलेट कर ले। तो मान लेते हैं क्या कि सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, क्या है बेटा इस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये n, Is that clear? इसको expand करके लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के पीछे सिंपल सा एक लॉजिक था कि हमें ये पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर उस चार्जेस के नियर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो तो एक इंडिविजुअल चार्ज यानी एक सिंगल चार्ज पर फोर्स कितना आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी तक तो हम बस टोटली ये बात कर रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, लेकिन कभी सोचा कि दो चार्जेस मतलब एक चार्ज दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहा, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहा? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज उठा दो, मैं अगर आपसे बोलूं कि इसे पुश करो या पुल करो, देन फर्स्ट मेक अ कॉन्टेक्ट, ये मेरा मार्कर है और अगर मुझे इससे बोर्ड पे अपने राइट करना है देन फर्स्ट मेक अ कॉन्टेक्ट। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्जेस, ये वाला दो चार्जेस जो हमारे, ये Q1 और ये हमारा चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है, इन दोनों के बीच में मीडियम है एयर और वैक्यूम फ्री स्पेस, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं, जबकि जबकि हमें पता क्या है कि जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम किसी भी चीज को पुश नहीं कर सकते, बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम किसी भी चीज को पुश नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिकल चार्जेस कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्यों कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्यों पुश कर सकते हैं, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने। ठीक, इलेक्ट्रिकल चार्जेस में आपने पढ़ा है कि एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इन नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा एक चार्ज क्या बनाता है, फील्ड, तो अगर उसकी फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा। ओके, ये पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, एक बात और कहनी थी आपसे कि
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि इससे जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक तुरंत पहुंचती है। इज दैट क्लियर? तो कहीं भी रिवाइज कर सकते हैं हम, कभी भी कर सकते हैं।